फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत टेस्ट गुरु। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम लिखते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस हिंदी में भी ये वाले करूँगी। इसमें हम एक्चुअली फोबियाज कवर करेंगे। फोबिया का अर्थ होता है किसी चीज़ से डर होना या किसी चीज़ का मतलब मानसिक तरह से आप उस चीज़ से डरते हैं, उसे फोबिया कहते हैं। तो एक 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 करके मैं सारे फोबियाज को कवर करूँगी और मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको, ताकि आप उसको समझ सकें और एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो। तो पहला जो फोबिया है वो इसमें लिखा है एक्रोफोबिया, हाई प्लेसेस, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची जगह पे कोई अगर ये ऊंची जगह पे आपको अगर वहाँ पर जाने से आपको डर लगता है या फिर आप वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ये किसी तरह की दीवार हो सकती है, किसी तरह की बिल्डिंग हो सकती है, किसी तरह का माउंटेन हो सकता है, शिप हो सकता है, जो कि काफ़ी हाइट पे हो, जैसे 150 या 12 या 15 माले की कोई ये हो, बिल्डिंग हो। तो उन जगहों पे क्या होता है कि आप अगर सफोकेटिंग या अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आपको एक्रोफोबिया कहते हैं। तो इस एक्रोफोबिया मतलब कि आपको डर है ये ऊंची जगहों का। एरोफोबिया, तो एरोफोबिया में क्या होता है एक्चुअली में इसका मतलब है कि आपको हवा हवा से डर है, मतलब कि आप हवा मतलब हवा तो हर जगह होती है, मतलब वातावरण में तो हवा होती ही है, बट हवा इन द सेंस इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई तेज़ हवा आ रही हो तो आपको उनसे डर होता है। बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है और इसे एरोफोबिया कहते हैं। एग्लोफोबिया, एग्लोफोबिया मतलब होता है किसी भी तरह के दर्द से आपको डर हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो जिन्हें इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है, तो एक प्रकार का डर हुआ उसे एग्लोफोबिया कहते हैं। एल्टीफोबिया, एल्टीफोबिया मतलब एल्टीट्यूड मतलब होता है एक ऊंची की तरफ जाती हुई सीधी एक सीधी तरह का जो मैं उसे एल्टीट्यूड के सीधी तरह से जो आप जाते हैं वर्टिकल जिसे बोलते हैं, उस तरह से अगर किस तरफ चलना होता है तो उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। ज़्यादातर एल्टीट्यूड आपको माउंटेन ट्रैकिंग में मिलेगी या फिर किन्हीं को शौक़ है पर्वतों पे चढ़ने का तो उनको मिलेंगी। तो उस चीज़ के डर से अगर आप चढ़ते हैं उस जगह और उसमें से गिरने का डर हो या फिर उसमें फंसने का डर हो, आपको अगर उस चीज़ का डर है या आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको कहेंगे कि एल्टीफोबिया है। एनोरॉक्सिया, एनोरॉक्सिया में क्या होता है, जो बच्चियाँ होती हैं उनमें मतलब उनमें डर रहता है कि वो अगर ज़्यादा खाना खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, तो वो खाना बंद कर देती हैं कुछ लोग या कम कर देती हैं कुछ लोग। तो इस तरह का जो डर होता है इसे एनोरॉक्सिया कहते हैं। और आजकल क्या होता है कि बच्चे इतना हमारा सोशल मीडिया वगैरह इतना हार्श हो गया है कि अगर आप मोटे हैं तो बहुत मतलब आपको मतलब बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी इस तरह का नेगेटिव वाइब चल रहा है अभी छोटी बच्चियों में, जो कि अच्छा नहीं है, ये आपके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको ईटिंग डिसऑर्डर में इसी ईटिंग डिसऑर्डर में भी प्रॉब्लम होगा। एग्रोफोबिया, इसका अर्थ है कि आपको बाहर पब्लिक एरियाज या ऐसे कोई जगह जहाँ पर मतलब बाहर में जो खुली जगह हो वहाँ आपको डर लगता है। मतलब जैसे कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में गए या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप गए हैं तो वहाँ पर आपको आसपास पब्लिक या ट्रैफिक हो तो आपको डर लगेगा, तो ऐसी जगहों को या फिर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं होंगे, तो ऐसी ऐसे लोगों को जो ये इन पे बीमारी ये होती है उन्हें कहते हैं एग्रोफोबिया। एक और चीज़ बात बताती चलूँ कि जितनी भी ये बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां जो स्थायी रूप से होती हैं वो बीमारियां हैं। ऐसा नहीं हो है कि कोई बीमारी आपको मतलब एक दिन ऐसा लग रहा है तो आपको बीमारी है, नहीं। ये जितनी भी फोबियाज होती हैं, जितनी भी जिन चीज़ों का डर होता है ये स्थायी रूप से होती हैं पहली तो, और दूसरी है कि ये सिर्फ मेडिकेशन से ही ठीक हो सकती हैं। एंड्रोफोबिया, तो एंड्रोफोबिया के बारे में अगर आपको किसी भी तरह के पुरुष से डर लगता हो तो उसे एंड्रोफोबिया कहते हैं। पुरुष मतलब पुरुष पूरी तरह से मैं लिंग की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि आप बच्चा भी हो सकता है, बूढ़े भी हो सकते हैं या कोई जवान आदमी भी हो सकता है, बट आपको उस पूरे ये से ही डर लगता है, मेल से ही डर लगता है।
मैग्लोमेनिया, ठीक है। मैं अभी तक आपको फोबिया कवर कर रही थी, अब मैं आपको मेनिया के बारे में बताऊँ। मेनिया क्या होता है? इसमें आपको डायल्यूशन होता है, मतलब आप ऐसा समझते हैं, आपको डर नहीं है, पर आपका मानसिक स्थिति ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो कि आपको लगता है कि सच है, उस स्थिति को बोलते हैं। तो अभी मैं मैग्लोमेनिया के बारे में आपको बताती हूँ। इसका मतलब है कि किसी को अगर ऐसा लगे कि वो जितना है उससे ज़्यादा उसको लगे कि वो बहुत ग्रेट है। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक बिल्ली है जो कि आईने पे देख रही है और जो शेर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को उस तरह से आंक रही है। तो आप अपना आंकलन ज़्यादा करते हैं तो उसे मैग्लोमेनिया कहते हैं। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया मतलब होता है कि जब आप अकेले रहने से डरते हो, या ऑटो मतलब होता है खुद, या खुद के साथ रहने पे डर लगता है, सॉलिट्यूड मतलब कोई है नहीं आपके पास, तो आपको ऑटो ऑटोफोबिया कहते हैं। ऑटोफोबिया जो है एक डिप्रेशन का पहले पहले ये पहला कारण भी होता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आदमी डिप्रेशन में जाया जाता है, तो ये उनमें से एक प्रकार है। बैथोफोबिया मतलब, बैथोफोबिया मतलब कोई भी गहरी जगह, डेप्थ जहाँ पर हो वहाँ पे आपको जाने से डर लगता है। जो लोग को बैथोफोबिया होता है वो समुद्र में स्कूबा डाइविंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरी और गहरी जगह जाने में डर लगता है, या किसी गुफा वगैरह में नहीं घुस सकते। तो ये इस तरह की बीमारी है। बिब्लियोफोबिया मतलब आपको बुक, किताबों से डर लगेगा, मतलब किताब आप पढ़ नहीं सकते। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, पर हमेशा वो किताबें नहीं, वो या तो किसी और तरीके से पढ़ने, मतलब किसी और ऑप्शन से पढ़ने की कोशिश करते हैं, या तो वो मतलब क्लास में ही ज़्यादा ये रहते हैं, अवेयर रहते हैं। पर मैंने बहुत लोगों से मिली हूँ जिन्हें बुक से प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बुक देख के किसी स्पेशली मोटी बुक देख के डरते हैं। कैसोफोबिया मतलब कि जब आपको अग्लीनेस से डर लगे। अग्लीनेस ऐसा नहीं है कि स्वयं के साथ हो, पर ये भी हो सकता है कि आप अगर आसपास किसी को देखें जो आपको लगे कि ये पे आ रहा है, मतलब अग्ली जैसा लग रहा है आपको और आप उससे डरे, तो उसे कहते हैं कैसोफोबिया। कैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है डॉक्टर से डर। ये काफ़ी लोगों को होता है जो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते और अपने से ही बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करते हैं, घरेलू उपचार लेने की कोशिश करते हैं। और ये स्पेशली बच्चों में पाया जाता है कैस्ट्रोफोबिया, जो डॉक्टर्स या डेंटिस्ट के पास जाने में डरते हैं। सेलोफोबिया मतलब हो गया है कि आपको किसी की सुंदरता देख के डर लगता है, मतलब आप किसी को सुंदर को देखते हैं, खुद को या आसपास को किसी को देखते हैं तो आप उसकी सुंदरता से डरने लगते हैं। ये काफ़ी रेयर माना जाता है, पर ये एक तरह की बीमारी है। क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया मतलब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि क्रोनो मतलब होता है समय, आपको समय से डर लगता हो। समय मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर आपको डर लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, या किसी प्रकार का कोई दिमाग पे ऐसी कोई बात आ जाती है जिससे एक समय से वो डरते हैं। जैसे किसी किसी को बोल जाते हैं कि रात को, जैसे बचपन में बताया जाता है कि रात को 12 बजे को मतलब ये आते हैं, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, ये सब बोला जाता है बच्चों को। तो कुछ कुछ लोगों के दिमाग में वो इतना ये हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है कि उनको समय से डर लगने लगता है। तो इससे भी बहुत, क्रोनोफोबिया का मतलब ये नहीं कि आपको हर समय डर लगता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक एक किसी भी एक स्पेसिफिक समय पे डर लगता है। साइनोफोबिया मतलब आपको कुत्तों से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुत्तों से डर लगता है, और वो कुत्तों की जगह कोई और घर पर जानवर रखने की को ये करते हैं। कैस्ट्रोफोबिया मतलब कि आपको छोटी जगह, कन्फाइंड जगह जहाँ पे अंधेरा हो, नैरो जगह हो, वहाँ पर आपको डर लगेगा अंदर होने में। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग जैसे कि जाते हैं ये आपके वाटर पार्क्स में, वाटर पार्क्स में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपको छोटी सी पाइप से अंदर जाना होता है, तो बहुत सारे लोग डरते हैं। तो जिन 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 लोगों को ऐसे कन्फाइंड जगह, स्मॉल जगह या फिर नैरो प्लेसेस में जाने से डर लगता है, उन्हें कैस्ट्रोफोबिया होता है। टिप्सोफोबिया यानी कि फियर ऑफ थर्स्ट, मतलब आपको इतना डर लगता है प्यास से कि आप मतलब ओवर हाइड्रेटेड भी हो सकते हो, तो डिप्सोफोबिया उसे कहते हैं, जिसे वो प्यास से डर लगे।
डिप्सोमेनिया, देखिए मैंने आपको डिप्सोफोबिया और मेनिया के बारे में बताया था। फोबिया मतलब डर होता है, मेनिया मतलब होता है कंपल्शन, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। तो डिप्सोमेनिया मतलब आपको जिस उसका अपोजिट है, जिससे आपको डर लगता था, अब उसको आपको चाहिए, मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं ज़्यादा ड्रिंक करने से। डिमोनोमेनिया मतलब कि डेल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर, इसमें मेनिया है मतलब आपको अंदर से इस चीज़ का फीलिंग है कि आपके ऊपर कोई भूत या प्रेत या कोई इविल स्पिरिट आपके ऊपर है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेशली जो लोग काफ़ी मतलब पुराने विचारों वाले होते हैं, गांव वगैरह में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस ये उनकी धारणा होती है कि वो किसी भी भूत प्रेत के ये में है, वश में है। एंटोमेनिया मतलब कि आपको इंसेक्ट से डर लगे, बहुत सारी स्पेशली मैंने देखा है कि लड़कियों में, लड़कियां कभी कॉकरोच से डरती हैं, मकड़ों से डरती हैं, छिपकलियों से डरती हैं, तो ये इस डर को एंटोमोफोबिया कहते हैं। ज़्यादातर बहुत कॉमन है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें स्पेसिफिक, हर किसी को किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट से डर लगता ही है। एर्गोफोबिया मतलब आपको काम से डर लगता है, आपको किसी भी तरह से अगर ज़्यादा काम आए या ज़्यादा प्रेशर हो या बहुत सारा काम हो, तो आपको पैनिक, आप पैनिक करने लगोगे, आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे, तो इसे कहते हैं एग्रोफोबिया। गेमोफोबिया यानी फियर ऑफ मैरिज मतलब को आपकी शादी से डर लगता है। बहुत सारी पिक्चरें भी इस टॉपिक पे आई हैं और मुझे याद है कि बहुत सारे लोग हैं जो शादी से, स्पेशली अभी के जनरेशन में, जो शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनके अपने माँ बाप के या आसपास के किसी लोगों की शादी ठीक से नहीं चली है, इसलिए वो खुद शादी नहीं करना चाहते, तो उसे कहते हैं फियर ऑफ मैरिज। गेरोफोबिया यानी कि आपको ओल्ड एज मतलब बूढ़ा होने का डर है, मतलब कि आपको डर है कि आप बूढ़े हो जाएंगे और आपका, आपकी ताकत या सुंदरता या फिर शक्ति ये सब खत्म हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी होती है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, तो इसी को गैराफोबिया कहते हैं। नोजियोफोबिया फियर ऑफ नॉलेज मतलब कि आपको ज़्यादा नॉलेज होने से डर है, या फिर किसी बंदे को अगर ज़्यादा नॉलेज है तो आप उसके उससे मतलब उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो। ये काफ़ी रेयर है और अभी तक टिल डेट मैंने बहुत, मैं मतलब मैंने सर्च भी किया है इस पे, मुझे कोई अभी तक मिला नहीं जिन्हें ये रेयर बीमारी हो। ग्राफोफोबिया फियर ऑफ राइटिंग मतलब ग्राफो मतलब होता है किसी तरह का भी, ग्राफिक्स यानी राइटिंग, और फोबिया मतलब होता है डरना, मतलब आपको लिखने से डर होता है। अगर ऐसी किसी को बीमारी हो तो ज़्यादातर डॉक्टर उन्हें टाइपिंग का या फिर कोई अल्टरनेटिव मेथड लिखने का सजेस्ट करते हैं। गाइनोफोबिया जिस तरह से मैंने एंड्रोफोबिया बताया था फियर ऑफ मेन, और वैसे ही गाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमेन, मतलब कि आपको महिलाओं से डर है, और उसी प्रकार से महिलाओं के लिंग से डर है, आप महिलाएं किसी भी उम्र की हो आपको उनसे डर लगेगा। हेमोमोटोफोबिया, हेमोमोटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ब्लड, मतलब आप अगर अपने कुछ दोस्तों से मिलेंगे तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे खून देख के डर लगता है या ये लगता है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ब्लड देखते बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, वो डॉक्टर के पास जाने से भी काफ़ी कतराते हैं, तो उन्हें हेमोफोबिया कहते हैं, हेमो मोटोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी से डर है, उनको डर, बहुत सारे लोग, उनको डर होता है कि वो पानी में डूब जाएंगे या गहरी जगह होगी या फिर कुछ और, बहुत सारे जानवर होते हैं पानी में, तो बहुत सारी चीज़ों से उन्हें पानी से डर लगता है। वो किसी भी तरह की वाटर बॉडी जिसे बोलते हैं, जैसे नदी या तालाब वगैरह में जाना पसंद नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्लैप्टोफोबिया, क्लैप्टोफोबिया मतलब होता है आपको आपको कोई डाका डाल दे या आपसे कोई कुछ चुरा ले, आपको इस चीज़ का डर रहता है। आप इस बीमारी में हमेशा ये देखते हैं कि चीज़ें लॉक है कि नहीं है, आप कहीं रात में बाहर जाना पसंद नहीं करते, आप मतलब आप ओवर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं उन चीज़ों के लिए, तो आपको क्लेप्टोफोबिया होता है, मतलब आपको डर है कि कोई आपसे कुछ चुरा ना ले। ठीक है, जैसे फिर से मैंने फोबिया और मेनिया का बताया था, यहाँ पर भी फोबिया और मेनिया बताती चलूँ कि मेनिया में कंपल्शन, जिस तरह से फोबिया से डर है, मेनिया में क्या है, कंपल्सिव मतलब आपको चुराने की इच्छा है,
अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज़ को चुराने की। लाइपोफोबिया, लाइपो मीन्स होता है फैट और फोबिया मतलब होता है डर, मतलब आपको आप मोटे ना हो जाओ इससे डर है। अब मैंने आपको आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था एक और फोबिया जिसमें जो है यंग गर्ल्स खाती नहीं है, तो ये थोड़ा अलग है उससे, इस प्रकार अलग है क्योंकि लाइपो मीन्स मतलब आपको फैट से ही डर है, वो उसमें कम खाती हैं कि वो फैट ना हो जाए, इसमें आपको फैट से डर है। आप पतले भी हो सकते हैं मोटे भी हो सकते हैं पर आपको फैट से ही डर है। लोगोफोबिया, फियर ऑफ स्टडी, आप पढ़ना नहीं चाहते लोगोफोबिया में, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं या फिर स्कूल ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने से डर लगता है, तो उसे कहते हैं लोगोफोबिया। क्लासोफोबिया, तो आप देखेंगे बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारे मिनिस्टर्स या फिर एक्टर्स होते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है या सबके सामने बोलने में डर लगता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते, नर्वस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है ये में, तो उनको कहते हैं ग्लासोफोबिया। ये सारी बीमारियाँ जो है वो मेडिकेशन से या फिर प्रॉपर कंसल्टेंटेशन से ठीक होती हैं। मायोयूजियोफोबिया मतलब आपको मतलब ये होते ही महिलाओं में, क्योंकि महिलाएं मतलब बच्चे को ये जन्म देती है या प्रजनन करती हैं, तो मायोइसोफोबिया में क्या होता है कि आपको डर रहता है चाइल्ड बर्थ से, मतलब आपको प्रजनन करने में या बच्चों को जन्म देने में आपको डर लगता है। मेनोमोफोबिया मतलब कि आपको पुरानी मेमोरी से डर लगता है, इसका मतलब ऐसा है कि आपके पुराने, अब डर लगना मतलब वो मेमोरीज तो अच्छी नहीं होंगी, ये बात ये है, तो आपको बुरी बुरी कोई घटना हुई या बुरी कुछ चीज़ें हुई, या बहुत सारे केसेस में कोई कुछ लोग अपने माँ बाप को खो देते हैं या कोई बुरी घटना होती है, तो उन पुरानी यादों से याद करने पे अगर कोई आदमी ट्रॉमा से गुजरा हो या कुछ हुआ हो तो उसमें क्या होता है ये फियर आ जाता है पुरानी यादों के, इस तो जो आदमी होता है वो परमानेंटली मेनोफोबिया में चला जाता है। मोनोफोबिया मतलब कि मोनो मतलब अपने से, एक तो आपको लोनलीनेस से, आप अकेले हैं और बिंग अलोन आप अकेले से आपको डर लगता है कि आप अकेले हो गए हैं, तो ये भी काफ़ी डिप्रेशन के पहले लक्षण है। माइसोफोबिया मतलब कि आपको किस तरह की गंदगी या खाना खराब हो गया हो या फिर फंगस वंगस या स्मेल हो रही हो किसी चीज़ से, तो आपको उससे डर लगता है कि आपको कुछ हो नहीं जाए, बीमारी ना हो जाए, तो ये सब जब आपको इस चीज़ से आप अनकंफर्टेबल हो या डर लगे तो उसे माइसोफोबिया कहते हैं। नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस मतलब कि आपको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से मतलब रात नहीं, अंधेरे आप दिन में भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी ना हो तो आपको उस जगह से डर लगेगा। नियोफोबिया, अनविलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स और ब्रेक फ्रॉम रूटीन, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं इसमें कि बहुत सारे जो अब हमारे रूलर गांव है या रूलर जगहें हैं जहाँ पर अभी भी पुराने रीति रिवाजों का ये है, तो इन्हों नियोफोबिया कह सकते हैं क्योंकि वो नई चीज़ों को अपनाने में डरते हैं, उन्हें नई चीज़ें ट्राई करने में डर लगता है, वो रूटीन जो चलता है उससे अलग करने में डर लगता है कि कुछ अलग करने पे कुछ ख़राब ना हो जाए, उसे नियोफोबिया कहते हैं। ऑप्थाल्मोफोबिया मतलब कि आपको आपके तरफ अगर कोई देख रहा हो या बहुत देर से आपकी तरफ ये से मतलब स्टेयर कर रहा हो तो उसे ऑप्थाल्मोफोबिया कहते हैं। इसमें आपको उस चीज़ से डर लगता है और आपको आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ओपीडियोफोबिया मींस आपको सांपों से डर लगता है और ये सच में बहुत एक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि सांपों से डरते हैं, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी डर लगता है, मतलब ऐसे तो स्नेक से डरना बहुत आम सी बात है क्योंकि मतलब ऐसा हमारा यही है, ब्रॉटअप ही ऐसा होता है कि सांप से दूर रहो वगैरह, बट इसमें पर्टिकुलरली आप अगर सांप को किसी बंद ये में देखो, चारों तरफ से बंद हो, फिर भी आपको डर लगेगा, मतलब यू कैन आप उसके प्रेजेंस में रह नहीं सकते, तो उसे ओपियोडियोफोबिया कहते हैं।
ओक्लोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ क्राउड्स और मॉब्स। इसमें क्या है कि मॉब मतलब एक साथ बहुत सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं और आप कहीं बीच में अटक गए हैं, उसे कहते हैं मॉबिंग। और क्राउड हो गया मतलब आसपास बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंफर्टेबल ना हो, अगर आपको डर लगे, तो उसे कहते हैं ओक्लोफोबिया। पेडोफोबिया, इसका मतलब होता है आपको बच्चों से डर लगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बच्चे से मतलब छोटे बच्चों से डर लगता है, तो उन्हें कहते हैं पेडियोफोबिया। पैथोफोबिया, पैथोफोबिया मतलब कि आपको डर है कि आप बीमार ना हो जाए, या फिर आपको डर है किसी तरह की बीमारी से, तो उसे कहते हैं पैथोफोबिया। इसलिए आप ज़्यादा सफाई या फिर उन लोगों से हाथ मिलाना या फिर बात करना कि आपको ना हो जाए बीमारी, या आप दूर रहते हैं, तो उसे कहते हैं पैथोफोबिया। ये मैंने एक कैंपेन आया था बहुत पहले नेशनल टीवी पर, शबाना आज़मी का था शायद, एड्स के ऊपर। तो उसमें ये इस समस्या को बताया कि किस तरह से जब अवेयरनेस नहीं होती है या फिर चीज़ों को नहीं पता रहता है तो लोग उस चीज़ से डरते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ समझाने के लिए। पीनियोफोबिया, फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी आपको डर है कि आप गरीब ना हो जाए, तो इस चीज़ का जो डर है उसको कहते हैं पेनियोफोबिया। फार्माकोफोबिया मतलब कि आपको दवाएं खाने से डर है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बच्चे होते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि इंजेक्शन्स मिलेंगे, या फिर डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि दांतों में वो डेंटिस्ट टूल्स यूज़ करता है जिससे दर्द होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिसिन से डरते हैं, तो ये भी एक तरह का, वो इंजेक्शन से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पर वो मेडिसिन खाना पसंद नहीं करते, तो उसे कहते हैं फार्माकोफोबिया। फैज़मोफोबिया मतलब कि आपको भूतों से डर लगता हो या आत्माओं से डर लगता हो, तो उसे कहते हैं फाज़मोफोबिया। ज़ेनोफोबिया मतलब कि आप फॉरेनर, फॉरेनर मतलब जैसे हमारे लिए हो गए अंग्रेज़ फॉरेनर है, हमारे लिए अफ्रीकन्स फॉर्मल है, हमारे फॉरेन है, हमारे लिए बाकी एशियंस जैसे चाइनीज़ हो गए, जापानीज़, वो लोग फॉरेनर है। तो जो भी आपकी लोकल ज़मीन से ना हो या आपके देश से ना हो, वो फॉरेनर होता है। तो ज़ेनोफोबिया में आपको बाहर के फॉरेनर से डर लगता है, जैसे वो एक तरह की बीमारी होती है, काफ़ी रेयर है, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने आधा कवर कर लिया है, थोड़ी सी और है। तो पाइरोफोबिया ये है कि फियर ऑफ फायर, आपको आग से डर लगेगा। आग बहुत सारे मतलब ये सब जितने भी फोबियाज होते हैं, ये बचपन में किसी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, या फिर कोई बचपन से ही किसी तरह का सेटअप हो तो हो सकते हैं, या कुछ कुछ इनहेरिट होते हैं, मतलब आपके वंश में ही चल रहा है। तो फायरोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ फायर मतलब कि आपको आग से डर लग रहा है। थानाटोफोबिया मतलब फियर ऑफ डेथ मतलब आपको मृत्यु से डर लगती है, और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्हें मृत्यु से डर लगती है वो। और स्पेशली इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस भी होते हैं कि आप सेफ रहे, ट्रैफिक रूल्स अपनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, ताकि। तो मृत्यु से तो लगभग सबको ही होती है, तो बहुत कॉमन है, तो थानाटोफोबिया उसको कहते हैं। सिलरोफोबिया, फियर ऑफ बर्गलर्स, बैड मैन एंड क्राइम। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि चोरी से डर लगता है, वैसे एक सिक्रोफोबिया है जिसमें आपको बगलर्स मतलब जो आपको मिलते हैं रात में, अगर आप किसी गली वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ कुछ बंदे हैं आपको मारते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, उसे कहते हैं बगलर। या कोई आपके घर तोड़ के आ जाता है और सामान चीज़ें करने की कोशिश करता है, उन्हें कहते हैं बगलर। तो ऐसे लोगों से अगर आपको डर लगता है तो आप सिरिलोफोबिया हो। टॉक्सिकोफोबिया मतलब कि आपको ये डर है कि आपको कोई जहर ना दे दे, या कहीं से जहर जहर ना मिल जाए। ये डर परवीन बाबी जी को भी था बहुत पहले, और बहुत सारे लोग मतलब हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी या बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनको ये डर रहता है कि उन्हें कुछ पॉइजन। इनफैक्ट मुझे अगर सही पता तो इंदिरा गांधी भी अपने खाना मतलब उनका जो कुकिंग ये था पैटर्न था, इस चीज़ से काफ़ी ये था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राजघराना मुगल्स में भी था कि कोई पॉइजन नहीं दे दे, तो उनका एक मुगल डायनेस्टी का अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें एक पैटर्न होता है जिसमें कि खाना राजा खुद नहीं खाता, पहले कोई और खाता है। तो ये सब क्लासिक एग्जाम्पल इस चीज़ को बताने के लिए कि टॉक्सिकोफोबिया होते हैं जिन्हें डर होता है। अगर आप कोई स्पेशल कोई स्पेशल अथॉरिटी में हो, जैसे किसी के कहीं के कोई मिनिस्टर हो या फिर राजा हो,
रूलर हूँ या फिर ये हो, तो आपको होता है ये कॉमन लोगों में भी पाया जाता है जिन्हें ये बीमारी होती है। होडोफोबिया मतलब कि आपको किसी तरह कभी ट्रैवलिंग, मतलब आप किसी तरह कभी अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपको डर लगेगा, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी सफ़र हो सकता है, तो आपको उससे डर लगे तो उसको कहते हैं होडोफोबिया। थियोफोबिया मतलब कि आपको किसी भी तरह के धर्म से या भगवानों से डर लगता है या फिर किस तरह के ईश्वर से डर लगता है, तो थियो मतलब होता है रिलीजन, फोबिया मतलब होता है डर, तो ये सब धर्मों में होता है और ये सब धर्मों के लिए ये है, मतलब आप अगर आप क्रिश्चियन हैं अगर आप तो भी आपको थियोफोबिया हो सकता है, अगर आप हिंदू हैं तो भी आपको थियोफोबिया हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं होता है। डिस्कैडीफोबिया मीन्स आपको नंबर 13 से, 13 नंबर जो है वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ही अशुभ माना जाता है, ये बहुत अनलक्की माना जाता है क्योंकि इस दिन 13 फरवरी को ही माना जाता है कि जीजस क्राइस्ट का डेथ हुआ था, तो इसकी वजह से 13 नंबर को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो 13 नंबर को शैतान या फिर बुरी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, तो उनको अगर इस तरह का मतलब उनको चीज़ें फिर 13 नंबर से डर ही हो जाता है, तो जिनको डर हो जाता है उन्हें कहते हैं डिस्काडेफोबिया। तो इसी के साथ हम लोग अंतिम स्लाइड पे पहुंच गए हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये पीपीटी हेल्पफुल रहे, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।